नमस्कार, आप देखें न्यूज टुनाइट, मैं हूँ स्वाति रायना। बैंकर दीपक पारेख ने भारत को सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रेड देने पर रेटिंग एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। दीपक पारेख का कहना है कि भारत आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत फंडामेंटल वाला देश है, बावजूद इसके रेटिंग एजेंसियां भारत को कम करके आंक रही हैं। रेटिंग एजेंसियों ने भारत को BBB की रेटिंग दी है, जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग में सबसे नीचे आता है। पारेख का कहना है कि पिछले कई सालों से भारत में रिफॉर्म्स का दौर चल रहा है, बावजूद इसके रेटिंग एजेंसियों का व्यवहार ऐसा है। पारेख का कहना है कि जहां भारत को रेटिंग एजेंसियां सबसे नीचे देख रही हैं, वहीं इटली और स्पेन जैसे छोटे देशों को वो ऊपर रख रही हैं। पारेख का कहना है कि इटली के बैंक भारतीय बैंकों से कहीं खराब अर्थव्यवस्था में, और अवस्था भी उनकी बेहद खराब है। इटली की सरकार भारतीय सरकार से कहीं कमजोर दिखती है, और इसके पहले भी रेटिंग एजेंसियों के पैमाने को लेकर सवाल उठ चुके हैं। इसके बावजूद भारत को लेकर रेटिंग एजेंसी साफ कर चुकी है कि वो फिलहाल भारत की रेटिंग को अपग्रेड नहीं करने वाली। वहीं ये भी बताएं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन ने भी भारत को रेटिंग देने को लेकर एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। मेरे सहयोगी असीम मंजंदा से बात करते हैं। असीम, शायद ये बात गलत नहीं होगी जिसमें खुद HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने सवाल उठाए रेटिंग एजेंसीज पर। अरविंद सुब्रमण्यन ने भी कहा है कि आखिरकार भारत, जो कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से लगातार मजबूत बन रहा है, जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ रही है, आखिरकार उसको रेटिंग एजेंसी में सबसे नीचे पायदान पर क्यों रखा गया है? ये वाजिब सवाल भी है। ये सही कहा आपने। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो उसके इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है वो मजबूत है, और साथ ही साथ अब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो भी काफी मजबूत है। लेकिन अभी तक रेटिंग एजेंसियां जो है इसको सही से रेटिंग जो है वो नहीं कर पाई है। अभी भी उसको BBB की रेटिंग में जो है वो रखा गया, जो सबसे लो रेटिंग है। तो ये सवाल उठाया गया कि इनका रेटिंग करने का तरीका क्या है, किस मेथड से ये रेटिंग करते हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है पिच भी किया था, और रेटिंग एजेंसियों के साथ उनसे बातचीत जो है वो भी की थी ताकि वो रेटिंग इम्प्रूव की जा सके। लेकिन अभी तक रेटिंग जो है इम्प्रूव उनकी तरफ से जो है नहीं हुई है। अभी फिलहाल वही रेटिंग जो है वो देती आ रही है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज की तरफ कंपैरिजन किया जाए, इटली का कंपैरिजन किया जाए, तो वहाँ का बैंकिंग हालत जो है काफी खराब है। लेकिन फिर भी वहाँ पे उन जैसे कंट्रीज को रेटिंग जो है ज्यादा मिलती है इंडिया को मिलने की वजह। तो इस पर ये दीपक पारेख ने भी सवाल उठाए, अरविंद सुब्रमण्यम जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो भी सवाल पहले उठा चुके हैं वो, कि ये रेटिंग एजेंसी किस तरह से ग्रेड जो है वो करती है। तो अब ये देखना होगा कि क्या रेटिंग एजेंसियां इसको किस तरह से लेती हैं, क्या अपना मेथड जो है वो डिस्क्लोज करती है या नहीं करती है, और मेथड डिस्क्लोज करने के बाद क्या भारत की रेटिंग सुधार करती है या नहीं करती है। जी, बहुत शुक्रिया सीमन चंदा बातचीत के लिए।